हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ही रेन घर पे ही है। रेन अब क्यों घर पे? बिकॉज़ द कोरोना वायरस से यहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ भी बंद नहीं हुए हैं, बच्चों के कंटिन्यूसली चल रहे हैं और बट कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल। प्रिकॉशन तो लेने चाहिए ना यार, बच्चों को तो जल्दी इंफेक्शन हो जाता है। तो फिर आज हमने हिरण को भी स्कूल नहीं भेजा, तो देखते हैं दो तीन दिन में क्योंकि आज हिरण घर पे ही है। तो हिरण को लंच में क्या खाना है? परांठा विद पनीर। ये कहने का मतलब है आलू और पनीर का पराठा। तो मैं अभी बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी आलू और पनीर का पराठा, क्योंकि वो अगर सिर्फ मैं पनीर का बनाती हूँ ना तो वो ड्राई बनता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आलू मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए पराठा। तो सबसे पहले पराठा बनाने के लिए मैं स्टफिंग तैयार करूँगी। मेरे पास ये एक आलू है जो मैंने मैश कर लिया है, और ये पनीर है ये मैं कद्दूकस करूँगी, और यहाँ पे मेरे पास है ये थोड़ा सा अदरक, इसमें से मैं हाफ ही लूँगी कद्दूकस करूँगी इसको भी मैं, और एक हरी मिर्च है, हरा धनिया है। दही के साथ, हिरण को तो दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और लीची की दही फेवरेट है, और ये परांठे जो हैं वो हिरण के फेवरेट हैं आलू और पनीर के। और ये देखिए लीची क्या कर रही है। व्हाट आर यू डूइंग? साइकिल ऐसे थोड़ी राइड होती है। इट्स लंच टाइम। Stop. I'll serve you.
ओके गाइस, अभी लीची खाएगी अपना परांठा विद कर्ड। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय देखो बाय सी यू।